हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? देखें, आज हम अपने किचन में शबीला होम एंड कुकिंग चैनल में आपको वेलकम करते हैं। ये देखें, आज हम एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। और ये देखें, ये मैंने चिकन के 3 पीस लिए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट, और इसके ये 3 पीसेस लिए हैं इस साइज के हमने, और इसको मैंने कट लगा लिया। ये देखें गहरे कट लगाने हैं इसको। ये देखें, इस तरह ये मैंने लगा के रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, इस तरह गहरे गहरे कट लगा लेने हैं आप लोगों ने, और फिर हम आगे चलते हैं, आपको आगे के मसाले बताएंगे जो इसके अंदर जाएंगे। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी में। और ये देखें, जो मसाले मैंने रेडी किए हैं वो ये हैं। ये देखें, 1 टेबलस्पून रेड मिर्च है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये देखें येलो फूड कलर थोड़ा सा लेना है, और उसके बाद ये काली मिर्च है, ये भी आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, 1/2 टेबलस्पून से भी कम लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून लिया है मैंने। और ये तिक्का मसाला लिया है हमने, 1 से 1.5 चम्मच भर के लिया है इसको। और ये खुशक धनिया है, ये देखें जी, ये खुशक धनिया है, और ये हल्दी है हमारे पास, ये 1 चम्मच खुशक धनिया और 1/2 चम्मच हल्दी है। ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी रेसिपी के अंदर, और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। इसके बाद ये जी 2 चम्मच लेमन जूस है, और 3 से 4 चम्मच ये हमारे पास दही है जो हम इसमें ऐड करेंगे। और आप इस रेसिपी को बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। ये देखें जी, ये हमने खुले मुंह वाला एक बर्तन ले लिया। अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। ये दही जाएगी इसके अंदर, लेमन जूस, और ये जो मसाले हमने आपको बताए थे ये सारे इसके अंदर जाएंगे। अब करते हैं इनको मिक्स। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है आप लोगों ने, और फिर हम अपना चिकन इसके अंदर डालेंगे। और इसको हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो 1 घंटा भी रख सकते हैं। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें कि कैसी बनी है। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता, जो हमने फ्राई करना होता है, ज़्यादा डीप फ्राई करना होता है, वो बिल्कुल नहीं है। स्टीम है तो ये हमारे स्टीम ही सारा फ्राई होगा, अच्छे से गल भी जाएगा और खाने में भी बड़ा टेस्टी लगेगा। चले जी, चिकन के ये पीस हम अब इसमें ऐड करेंगे, और इस पर मसाला जो है वो अच्छे से हम लगा लेंगे। ये देखें, दूसरा पीस, और ये हमने तीसरा पीस भी इसके अंदर ऐड करना है। और ये मसाले जो हैं ये अच्छे से इसके अंदर लगने चाहिए। आप इसको अपने हाथ से अच्छे से, जो कट लगे हुए हैं इनके अंदर मसाला भर दें, ताकि ये मसाले का जो जायका है ये अंदर तक चला जाए। ये देखें ऐसे, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। ये देखें जी, ये देखें जी, मसाला हमने इसके अंदर तक लगा लिया है, और ये देखें अच्छी तरह ये तैयार हो गया है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए बंद करके रखेंगे, उसके बाद हम इसको स्टीम देंगे।
ये देखें जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। हमने इसको 2 घंटे के लिए रखा था और ये अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको स्टीम देने के लिए अपने पैन में रखेंगे और पैन को हमने हल्का सा ये देखें ग्रीसी किया है, ये देखें ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें क्योंकि ये स्टीम है। तो ये हम आपके चिकन को सेट करेंगे पीसेस को। ये देखें जी, पीसेस हमारे सेट हो गए हैं। ये जो बाकी का मसाला है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। मसाला जो है इसके ऊपर चला जाएगा। अब हमने इसको स्टीम देनी है। ये देखें जी क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। अभी से अब हम इसको स्टीम देने लगे हैं। ये देखें, ये हमने इसको स्टीम पे निकली रख दी है और ये 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद इस तरह हम इसको चेक करते रहेंगे। इसके पकाने का टाइम है, जो पकने का टाइम जो बिल्कुल तैयार होगा वो आधा घंटा लगता है इसको। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखें जी 10 मिनट हो गए, अब हम इसको पलट के देखेंगे ये कैसी है। ये देखें हमारे चिकन ने और दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया इसके अंदर। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कवर करके रखें, 10 मिनट बाद फिर चेक करते हैं कि क्या इसका। ये देखें जी, अब हम आ गए हैं अपने किचन में वापस। अब देखते हैं कि चिकन हमारा कहाँ तक हो गया रेडी। ये देखें जी तकरीबन ये रेडी हो गया। ये देखें अंदर तक कुक हो गया। अब ये जो पानी है ये हम ऐसे ही खुशक करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे। इसको हम पलट के रखेंगे ताकि इसके ऊपर कलर भी आ जाए और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से चिकन स्टीम रोस्ट की। जब आप इसको ट्राई करेंगे यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा और आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाते रहें। ये देखिए जी चिकन हमारा रेडी हो गया और हमने इसको पैन में से निकाल लिया है। और ये देखिए कितनी अच्छी लुक है इसको देखिए। ये देखिए बिल्कुल शादियों वाला बना है चिकन स्टीम रोस्ट और ये अंदर तक गल गया है। ये देखें इसको तोड़ेंगे और ये देखें आराम से टूट रहा है अंदर से जूसी मज़े का। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।